पहले तो आप सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का? मैंने कभी आप लोगों से ज़बरदस्ती नहीं बोला होगा कि भाई वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, एक एक चीज़ें समझना, लेकिन आज मैं आपको बोलूँगा भाई इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, क्योंकि आप लोगों का इतना ज़्यादा सवाल है इन स्ट्रीम ऐड को लेकर के। सर हमारा रिव्यू फंसा हुआ है सर, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ढाई ढाई महीना हो गया, अभी तक रिव्यू में फंसा हुआ है। कोई बोल रहा है 5 महीना हो गया अभी तक रिव्यू फंसा हुआ है। मेरे पास खुद के पास मैसेज पड़ा हुआ है, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 5 महीना बंदे ने बोला कि 5 महीने से रिव्यू फंसा हुआ है। भाई आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पे मैंने भाई बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखी है, मुझे लगता है कि 6-7-8 वीडियो बना दिया मैंने इस पर। आप लोग देखते नहीं यार, प्रॉब्लम पता नहीं क्या है। वीडियो को पूरा देखो, समझो, आपके दिमाग में जितने भी डाउट है ना रिव्यू को लेकर के, इन स्ट्रीम ऐड के रिव्यू को लेकर के, कि आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपका मोनेटाइज पेज होगा कि नहीं होगा, पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो बंदे नए इस चैनल पर आए हो ना भाई, सब्सक्राइब कर लेना भाई, लाइक करना और कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन, क्योंकि ना नए लोगों को, देखो नए लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप फेसबुक पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखना चाहते हो, एक दिन में भाई मैं करोड़पति नहीं बनाता, एक दिन में मैं लखपति बनाता हूँ किसी को, ये चैनल सिर्फ मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए खोल के रखा हुआ, ठीक है ना। और जो पुराने अपने भाई हैं जो पहले से मेरे को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, आप अपना बेल आइकन को भाई साहब एक बार रिफ्रेश कर देना, मतलब एक बार टिप के छोड़ देना, फिर वापस टिप के छोड़ देना उसको, उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। भाई आप आते हैं अपने पॉइंट पे, इन स्ट्रीम ऐड जो हमारा रिव्यू में फंसा हुआ है, हैं, हमने सब कुछ सही करके रखा हुआ। आप लोगों का मोस्टली लोगों का एक ही बात होती है कि सर हमने वीडियो बिल्कुल सही डाल रखी है, हमने रील बिल्कुल सही पोस्ट करके रखा हुआ है, सर हम लाइव भी ठीक ठाक आते हैं, हमने पोस्ट भी ठीक ठाक किया हुआ है, उसके बावजूद भी क्यों हमारा जो इन स्ट्रीम ऐड है वो रिव्यू में फंसा हुआ है। पहली बात आप लोग सुन लो भाई, रिव्यू में सबका नहीं फंसता है, पहले तो समझ लो। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इन स्ट्रीम ऐड ऐसे चुटकियों में मोनेटाइज होता है भाई, चुटकियों में मोनेटाइज होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग अगर रिव्यू में फंस रहा है ना, तो या तो आपने कोई गलती की हुई है अपने पेज या प्रोफाइल पे, समझ रहे हो, या तो आप कॉपी पेस्ट करते थे। मानो बात को, नहीं मानना है आपकी मर्जी है, मानो चाहे मत मानो आपकी मर्जी है, पर मानो आपने, आप या तो आपका जो क्राइटेरिया कंप्लीट आपने किया ना, 60,000 मिनट का जो क्राइटेरिया कंप्लीट करके रखा हुआ है वो आपने रील के थ्रू करके रखा हुआ है, रील अपलोड किए हैं उससे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया 60,000 मिनट का। 5,000 फॉलोअर का तो मैं नहीं बोलूँगा, फॉलोअर तो भाई कैसे भी आ जाए, चाहे लाइव आने से आ जाए, चाहे रील डालने से आ जाए, चाहे वीडियो अपलोड करने से आ जाए, तो भाई वो उसको नहीं बोलूँगा मैं फॉलोअर्स के बारे में, बट आपका जो मिनट वॉच टाइम है, 60,000 का मिनट वॉच टाइम है, वो आपने रील से कंप्लीट किया हुआ है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वायलेशन होता है, आपको पता नहीं, आपको भाई मोस्टली लोगों को नहीं पता है भाई साहब कि वायलेशन चेक कैसे करते हैं। मैंने जो अगर मैं बताता भी हूँ तो उसके बाद लोग हेट स्पीच देना चालू कर देते हैं। भाई देखो, एक यही तरीका नहीं है कि आप योर अलर्ट में जा करके अपना वायलेशन चेक करोगे। भाई मैंने भी कल वीडियो बनाई थी एड्स ऑन रील वाली, कल ही बनाई परसों बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने रील्स में जाकर के आप चेक कर सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ वायलेशन किया हुआ है। आप अपने वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हो आपने कहाँ कहाँ वायलेशन किया हुआ है। आपके जो वो रिकमेंडेशन वाला सेक्शन होता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ वायलेशन किया हुआ है। तो अगर आपने कोई वायलेशन किया हो जाने अनजाने में, मान लो आपको पता ना हो और आपके पेज या प्रोफाइल पर वायलेशन चल रहा है, तो भी आपका रिव्यू में फंसता है, समझ रहे हो बात। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, क्या हमको दोबारा सेटअप का ऑप्शन मिलेगा? जैसे कि हमारा कोई, मतलब आपका सवाल होता है कि 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, महीना भर हो गया, क्या हमको दोबारा से सेटअप का ऑप्शन मिलेगा इन स्ट्रीम ऐड का? मैं बोलता हूँ भाई बिल्कुल मिलेगा। आपका एक बार रिजेक्ट नहीं, 10 बार भी रिजेक्ट हो जाए इन स्ट्रीम ऐड, फिर भी आपको सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। इस चीज़ को अपने दिमाग से आप निकाल दो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का भाई, क्या हमारा मोनेटाइज होगा पेज? अगर हमारा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, हमारा एक बार रिजेक्ट हो गया, 2 बार रिजेक्ट हो गया, 3 बार रिजेक्ट हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, क्या हमारा मोनेटाइज होगा? आपका 20 बार भी रिजेक्ट हो जाएगा ना भाई, फिर भी मोनेटाइज होगा। आपको अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने वीडियोस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी गलती पकड़नी पड़ेगी भाई, समझ रहे हो। अभी वीडियो को बीच में रोकता हूँ, एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप अपने पेज को चेक कराना चाहते हो, देखना चाहते हो कि भाई पेज में कोई गलती तो नहीं है, मैंने कोई ऐसा गलत पोस्ट तो नहीं कर रखा है, मैंने कोई ऐसी गलत वीडियो तो नहीं पोस्ट कर रखी है, तो आप मुझसे करवा सकते हो, मैं रिव्यू करके आपको दे सकता हूँ। मैं सिर्फ कंसल्टेशन दूंगा, सलाह दे दूंगा भाई, उसका फीस चार्ज करता हूँ। अगर फिर राजी हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो तब आना भाई, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके भी आप अपना बात मेरे से बोल सकते हो, वरना अगर किसी को लगता हो कि नहीं भाई मुझे आपसे चेक करवाना है, आपसे पूछना है, आपसे जानकारी लेनी है कि मतलब मेरे पेज पे कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे प्रोफाइल पे कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं सही से पोस्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कोई मैंने गलत चीज़ पोस्ट तो नहीं कर दी है, तो आप ले सकते हो मेरे से सलाह और सजेशन, बट थोड़ी सी चार्ज लगेगा भाई उसका, तो आप अपने हिसाब से अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी, वरना मत आना भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100 बार बोलता हूँ, मत कॉन्टैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं भाई, आराम से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों का। हाँ तो भाई मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैं कहता रहा हूँ 10 बार भी रिजेक्ट हो जाएगा ना उसके बाद ही मोनेटाइज होगा आपका, बस आपको अपने काम पे फोकस करना है,
समझ रहे हो भाई। और रही बात रिव्यू में वापस कैसे लाएं, अभी कई लोग का ये सवाल है कि सर हमारा एक महीने से फंसा हुआ है, दो महीने से फंसा हुआ है, तीन महीने से फंसा हुआ है। चलो फंसा हुआ है फंसे रहने दो, अब हमको चाहिए वापस अपना, हमको अब हम भेजेंगे नहीं सेटअप के लिए, हमको सेटअप का ऑप्शन चाहिए, हमारा सेटअप का ऑप्शन हमको वापस चाहिए। रिव्यू से कैसे बाहर निकाल दो सर, प्लीज़ सर कुछ बताओ रिव्यू से वहाँ कैसे बाहर आएगा। एक ही चीज़ आपको बता सकता हूँ मैं इसमें, देखो भाई किसी को भी तुम बात कर लो, किसी से भी पूछ लो, कहीं भी जिसको तुम जानते हो भाई सबसे बात कर लो, ठीक है ना। सिर्फ वेट कर सकते हो आप, समझे आप, सिर्फ आप वेट कर सकते हो। अगर आपका एक बार रिव्यू फंसा हुआ है तो भले से वो दो महीना लग गया, अढ़ाई महीना लग गया, एक महीना लग गया, 15 दिन से आपका रिव्यू फंसा हुआ है, आपके पास वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं है। हाँ एक चारा और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप मेटा का वेरीफाइड बैच ले लेते हैं, मेटा का वेरीफाइड बैच समझते हो ना, 700 कुछ रुपया उसका प्राइस होता है, महीने भर का आपका सब्सक्रिप्शन हो जाता है मेटा से, मतलब फेसबुक से, वहाँ की सपोर्ट टीम से आप बात करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। बट अब मेन बात यह कि आप उसको अपनी बात कैसे समझाओगे, अंग्रेजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप उससे बात कर पाओ और उनकी आपकी अंग्रेजी वो समझ ले और उनकी अंग्रेजी आप समझ लो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं मेटा वेरीफाइड बैच लेकर के अंग्रेजी में बात करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, तो बिल्कुल स्वागत है आप लोग का, जाइए मेटा वेरीफाइड बैच लीजिए और उसको ठीक कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करना है, आपको पैसा खर्च नहीं करना है, तो चुपचाप वेट करिए। और हाँ अब कई लोग आ जाएंगे, मैं मेल वाली बात बोलने वाला हूँ, आपको मेल लिख करके एक भेज देना है फेसबुक को कि हमारा रिव्यू में फंसा हुआ है, अभी आप बताइए कि क्या करना है, वापस सेटअप का ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बताना है कि मैं एक अच्छा क्रिएटर हूँ, मैंने देखो अपने टेलीग्राम पे भाई मैंने सारे मेल लगा दिए हैं, अब आप कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आपने मेल नहीं दिया हमको, हमको मेल दे दो कैसे। मेरे टेलीग्राम पे चलाओ, टिप्स ऑन टॉप टेलीग्राम वाला चैनल है मेरा, उस पर चले जाओ, वो तो फ्री है, उसका कोई टेंशन नहीं है, उस पर चले जाओ, उसमें मैंने सारे मेल लगा दिए आपके, चाहे वो एड्स ऑन रील का हो, चाहे बोनस प्रोग्राम का हो, चाहे इनस्ट्रीम ऐड का हो, सब कुछ लगा दिया मैंने, वायलेशन रखा उसका भी लगा दिया हुआ है, तो जाकर के वहाँ से आप देख सकते हो। मेल लिखो, रिपोर्ट प्रॉब्लम जाके मेल करो, और आपका जो फीडबैक भेजने वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके भेजो। और एक बात और बोलना चाहता हूँ भाई, देखो रिव्यू में फंसना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर फंस गया है तो बहुत टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, फंसता है भाई आज की डेट में मैक्सिमम लोगों का रिव्यू में फंस रहा है। अगर आप लोग चाहते हो तो फेसबुक को चलो एक ट्वीट करता हूं मैं, अगर आप चाहो तो मेरे साथ उसको रीट्वीट करो। देखो भाई फेसबुक को भी बताना जरूरी है कि यार हम कहीं कहीं तो फेसबुक की भी मुझे लगता है कि गलती है, गलती की हाँ भाई बिल्कुल है यार, बंदे कुछ कुछ ऐसे हैं जो सही काम कर रहे हैं, ओरिजिनल काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको या तो उनका रिव्यू फंस जा रहा है या फर्जी का वायलेशन आ जा रहा है उनको। छोटी मोटी गलतियों को पहले इग्नोर कर देता था फेसबुक, लेकिन अब देख रहा हूँ मैं इतनी सी माइनर गलती को भी भाई नहीं छोड़ रहा है भाई। तो अगर आप चाहते हो तो ट्वीट करके रीट्वीट करो भाई, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपके लिए बात कर सकता हूँ, मतलब आपके लिए बात क्या, मैं सबके लिए एक ट्वीट कर देता हूँ, आप लोग उसको अगर रीट्वीट करना चाहते हो तो बताना मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं ट्वीट करके आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने कम्युनिटी टैब में, वहाँ से आप जाके उसको रीट्वीट कर देना। तो एक बार फेसबुक को ये बताना बहुत ज़रूरी है भाई, और एक पेज मैं बनाऊंगा इस टॉपिक के लिए, एक पेज में बनाऊंगा जिसमें मैं खुद ये चीज़ पोस्ट किया करूंगा, पेज बनाऊंगा, ट्वीट करूंगा, सोचा है मैंने ट्वीट करूंगा जो छोटी छोटी गलतियों पे वायलेशन आता है या रिव्यू में फंस जा रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, हमको मिल के बात करना पड़ेगा। अपना जितना भी अपने जितने भी फेसबुक के क्रिएटर्स हैं ना, आप सबको मिल के मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे सपोर्ट करो भाई, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। देखो भाई सिंपल फंडा है, आप लोग बोलते हो ना कि सर आप अजीब साहब आप बात करते हो, रूड, आप थोड़ा सा आपका रूड बिहेवियर है। देखो भाई मैं आपसे बताऊं, मेरा कोई रूड बिहेवियर नहीं है, मेरा क्या किसी से कोई खेतीबाड़ी का तो कोई है नहीं कि मैं आपसे कोई रूड बिहेवियर करता हूं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत ही हंसमुख आदमी हूं यार, बहुत हंसने वाला आदमी हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं आपकी इतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूं तो थोड़ा सपोर्ट तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं ना, थोड़ा सपोर्ट, इतना सा सपोर्ट तो मांग ही सकता हूं। बाकी अगर आप लोग मुझे पर्सनली, आपकी मर्जी है, तो थैंक यू, लव यू, बाय बाय। कोई भी सवाल हो रिव्यू के, देखो रिव्यू में फंस जाए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई, 10 बार फंसेगा 10 बार आपको वापस मिलेगा, 10 बार फंसेगा 10 बार आपका वापस मिलेगा रिव्यू का ऑप्शन, समझ रहे हो ना। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि भाई आपका पेज या प्रोफाइल गड़बड़ है। एक बार मैंने गुस्से में बोल दिया था कि नया पेज बना लेना, नया पेज नहीं 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 नया पेज बनाने की जरूरत नहीं है, काम उसी पे करो, ओरिजिनल करना चालू कर दो जितना, हाँ अपने इंप्रेशन और रीच जो आपका ना, इंप्रेशन रीच आपका जो होता ना, इसको बैलेंस करके रखना अपने वीडियो से, ये नहीं कि वीडियो 2-4 पड़ी हुई है, व्यूज़ आ ही नहीं रहे और रीच आपका मिलियंस में, इंप्रेशन मिलियन में, थोड़ा इन सब चीज़ों पर ख्याल करो, अपने आईडी पर काम करना चालू कर दो। पेज पर तो कर ही रहे हो, आईडी पर भी
खूब आईडी समझते हो ना, आईडी अलग होता है पेज अलग होता है, तो आईडी पे भी काम करो और पेज पे भी काम करो, ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी भाई। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई उसको फॉलो करो आप लोग, आपका रिव्यू वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। मेल एकाध कर देना, बस आप वेट कर सकते हो, समझ रहे हो ना, बस आप वेट करो। बाय बाय, लव यू ऑल। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कर देना भाई। बाकी सलाह और सजेशन के लिए मैंने बता दिया है कैसे क्या करना है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम का और मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे ट्विटर का, मेरे क्या बोलते हैं और किसका बोलते हैं, हाँ फेसबुक पेज का, जो नया वाला पेज बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जा करके फॉलो कर सकते हो आप लोग। बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।